भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। साहो में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक का एटीएम अरसे से खराब पड़ा है, जिससे बैंक उपभोक्ताओं को कोविड 19 के चलते दिक्कतें पेश आ रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द साहो में स्थापित एटीएम को चालू किया जाए। वहीं स्थानीय बैंक शाखा साहो के प्रबंधक विजय सिंह विजलवान ने बताया कि एटीएम की तकनीकी खराबी के कारण एटीएम बंद है, जिसको ठीक करवाने के लिए जिला मुख्य कार्यालय सूचित कर दिया गया है। जल्द ही एटीएम ठीक कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा कार्यालय साहू का जो एटीएम है वो पिछले 4/11/2020 से खराब चल रहा है, जिसकी सूचना हमने वक्त रहते अपने जिला मुख्यालय और चंबा को दे दी है। इसमें जो एटीएम में मशीन में खराबी है, उसकी चेस्ट की जो ट्रे है उसमें खराबी है और कोई इसका पुर्जा खराब है, जिसके परचेजिंग के ऑर्डर मुख्य कार्यालय द्वारा दे दिए हैं। जैसे ही वो पुर्जे एटीएम के आ जाएंगे, इंजीनियर आके इसको ठीक कर देगा, तो हम इसे उसी वक्त चालू कर देंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए साहो से नेक सिंह ठाकुर।